हेलो नमस्कार। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से अनबॉक्सिंग किया था एक्वाटेक का। मेरे पास ये मशीन है, मैं दिखा दूँ आपको। ये मशीन है और उस दिन अनबॉक्सिंग देखा था लास्ट वीडियो में, और अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये हर पार्ट्स को कैसे असेंबल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। पीछे ये गाड़ी पड़ी हुई है, इसको हम धो के देखेंगे कि किस तरीके से रियली में एक प्रेशर वाशर या एक्वाटेक का उपयोग होता है। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक खुले मैदान में हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर सुविधा नहीं है, फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है, अकेला ही हूँ, तो किस तरीके से इसमें क्या क्या है उसको देखेंगे। मैंने ये पास से करंट इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए अपना एक जुगाड़ एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके आ गया हूँ। ये शैम्पू के लिए है, ये दो आता है, आप इस तरीके से पहचान लेंगे। इसको कैसे फिट करेंगे वो भी देखते हैं, देख भी लेते हैं। इसमें क्या है कि जो इसके साथ एक ये भी आएगा इस टाइप का एडाप्टर, इसको क्या करेंगे आप यहाँ से इस तरीके से इसमें डाल लेंगे। इससे क्या होता है कि ये स्लिप करके निकलेगा नहीं, और इसको ऐसे करके इस्तेमाल। तो शैम्पू इस तरीके से फिट होता है, इसके अंदर हम शैम्पू भी भर सकते हैं, भर के मिला के, और इसको सीधा गन में लगा देंगे, वो प्रोसेस भी देखेंगे। उसके बाद ये गन है और ये होस पाइप है जहाँ पे मशीन से ये गन कनेक्ट होगा, ये मशीन के साथ ही आता है। ये गन को मैं पहले कर लेता हूँ। ये गन है और ये आगे का नोज़ल वाला पार्ट है, इसके पीछे एक क्लिक का साउंड होगा जब फिट होगा। तो ये बड़ा सिंपल है, ये हो गया। मशीन निकाल लेते हैं। इसके साथ दो ऐसे अडाप्टर आएंगे, एक आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा सा रॉड लगा हुआ है, इससे आप स्प्रे को पॉइंट और वाइड कर सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, ये सिर्फ पॉइंट के लिए है, तो मैं इसका इस्तेमाल अभी नहीं करूँगा, आपके ऊपर है, आप किसी भी टाइम पे किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये दो अडाप्टर आते हैं, दो नोज़ल दिया हुआ है, एक वाटर पाइप से लगा सकते हैं और एक इससे, इन्होंने दो स्पेयर दिया हुआ है, और ये दोनों ही एक जैसा है, तो एक ख़राब हो जाए तो दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं पहले यहाँ से पीछे की तरफ से देखेंगे पानी आता है, मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। और ये गन, फिर ये होस पाइप है, इसको आगे की तरफ से आप लगा लेंगे, सिंपल क्लिक का साउंड आएगा, लग गया। सॉरी, ये पीछे की तरफ है, ये जो वाटर का पाइप जो पानी आएगा जो मशीन के अंदर, वो ये वाला है आगे की साइड। ये गन में लगाते हैं इसको, एक क्लिक का साउंड आने से हो जाएगा। तो ये रेडी है, इसके ऊपर मैं ये फ्लैट वाला नोजल बोल रहा था, ये नोजल मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल लग गया, इसको निकालने के लिए इसको सिंपली दबा देंगे। तो एक तरीके से ये मशीन रेडी है, ये गन बैक साइड में कनेक्ट करके, और ये कॉर्डेड वायर जाएगा आगे, ये कॉर्डेड वायर जाएगा आगे
इसको हम सप्लाई में दे देंगे। ये गन यहाँ पे रेडी है और अभी दो चीज़ करना है बस, यहाँ पे हमें इनलेट सप्लाई करना है और इसको पानी से कनेक्ट करके ओपन करना है और इसको मैं पावर दे देता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं कैसे काम होता है। मैं अकेले था तो इसलिए जन को हेल्प के लिए बुला लिया हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ना ज़रूरी है तो वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। इधर घुमा लो, इधर, और इसको मैं फिट कर देता हूँ इसमें, थोड़ा पानी का काम हो जाएगा। मेरे पास प्रॉपर साइज का पाइप नहीं था तो मैं इस तरीके से अभी मशीन को स्टार्ट करते हैं, बंद कर दो, थोड़ा पास ले आओ ताकि मशीन का आवाज़ आए। दिखाओ दिखाओ, चलता हूँ दिखाओ, ये दबा के रखेंगे तो मशीन ऑन रहेगा, छोड़ेंगे तो मशीन बंद हो जाएगा। पॉइंट है नीचे नीचे मारी, यहाँ पे निकल गया, इसको पॉइंट कर सकते हैं और इसको वाइड कर सकते हैं, पॉइंट वाइड। अब इसमें थोड़ा शैम्पू मिला लेते हैं, शैम्पू का बोतल कैसे फिट करते हैं, ये अलग से अटैचमेंट आता है, इसको इस तरीके से लगा देना है। और ये शैम्पू है मेरे पास, ये इसमें डाल देते हैं। आप कार क्लीनर वाला शैम्पू भी यूज कर रहे हैं, मैं डोमेस्टिक कर रहा हूँ डेमो दिखाने के लिए। इसमें थोड़ा पानी भर लेते हैं, शैम्पू को इसमें देखो, इसके शैम्पू के दर्शन को शैम्पू के ढक्कन को इस तरीके से करके अब इसको हम डिटैच कर लेंगे। ये हो गया, क्लिक साउंड आएगा, क्लिक। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसको भी किसी भाग ही भाग निकल रहा है और पूरा कवर हो गया है। आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो आता है फोम हो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बिल्कुल बहुत ही ठीक फोम आएगा। मैं कोई अपने घर में जो नॉर्मली शैम्पू करते हैं बालों में घूमने वाला शैम्पू है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो इसलिए इतना बढ़िया से मैं ये सब चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज जो प्रोफेशनल क्लीनर होते हैं कार के लिए उनके पास बहुत ज़बरदस्त होता है टेक्निक, और वो काफ़ी ठीक फ्रेम निकाल लेते हैं।
तरीके से शैम्पू दे सकते हैं, इसको थिक भी रख सकते हैं और इस टाइप का भी इस्तेमाल, इसको कपड़ा वपड़ा लगा के काम कर सकते हैं। हम इसको हटा के थोड़ा सा धोते हैं। हाँ हाँ मिट्टी को मारा, मिट्टी के मिट्टी के निश्चय मिट्टी को इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेशर वॉशर का। सारे मॉडल्स का, हर कंपनी का थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है, तो आप अगर एक बारी समझ गए कि किस तरह से यूज़ करना है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।